क्रिकेट एक ऐसा खेल जो खेल ना होकर एक धर्म है, साहब भारत में तो ये धर्म ही है, एक ऐसा धर्म जिसमें क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है और यहाँ की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है और इतना इस चीज़ को प्रशंसा दी जाती है कि इसके सामने कोई भी खेल घुटने टेक दे, चाहे हॉकी हो। कहने को हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है लेकिन उसको क्रिकेट के सामने बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं मिलती है, ना के बराबर मिलती है। एक ऐसा खेल जो 100 से ऊपर देशों में खेला जाता है लेकिन फिर भी ये ओलंपिक का पार्ट नहीं है। आप पूछेंगे कि ये ओलंपिक का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट को समझ लेते हैं कि सन 1900 में ये ओलंपिक का पार्ट था, यानी कि सन 1900 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्रिकेट को खेला गया था और उसको खेलने के बाद अगले ओलंपिक में इसको निकाल दिया गया था। अब उसको निकालने के कारण क्यों थे और क्या थे और समझते हैं कि ये क्यों नहीं बन पा रहा है ओलंपिक का पार्ट। अब देखिए, इंडिया ने पूरे ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी तक, और कैसे भी करके अगर क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स का पार्ट बन जाता है तो इंडिया के गोल्ड मेडल जीतने की जो संख्या है वो बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि इंडिया में ऑल क्रिकेट को बहुत ही अच्छी तरीके से खेला जाता है। ठीक है, अब 1900 में ओलंपिक्स में सेकंड एडिशन में ये खेला गया था खेल। अब देखिए, ICC जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, ये जो वर्ल्ड का एक क्रिकेट बोर्ड है, ये चाहता है कि जो क्रिकेट है वो ओलंपिक्स का पार्ट बने, लेकिन इसके कुछ कारण निकल कर आते हैं। सबसे पहला कारण आता है पॉपुलैरिटी। देखिए, अमेरिका, चाइना, जापान और यूरोप, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें कि क्रिकेट जो है वो प्रशंसित नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट खेला ही नहीं जाता है और जापान की जो क्रिकेट टीम है वो अभी बनी है, ठीक है, और ये ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें ओलंपिक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो जब तक इन कंट्रीज़ में क्रिकेट का चलन नहीं हो पाएगा तब तक ओलंपिक्स का पार्ट क्रिकेट नहीं बन पाएगा, ये एक मुख्य कारण है इस चीज का। 1992 में बेसबॉल को ऐड किया गया था ओलंपिक को, लेकिन अगले ही जो ओलंपिक्स दोहराया गया उसमें इसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि एक रीजनल गेम था बेसबॉल, क्रिकेट की तरह यह भी एक रीजनल गेम था, और जब किसी गेम की ऑडियंस ही नहीं है, जब किसी गेम को कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है देखने में, तो उस गेम को ओलंपिक्स में ऐड करने का फायदा ही क्या, यह कहना था वहां की कमेटी का। दूसरा निकल कर आता है सबसे बड़ा मुख्य कारण, वो है टाइम। देखिए, ओलंपिक्स जो है 15 दिन का खेल होता है जिसमें 28 स्पोर्ट्स होते हैं, स्विमिंग, रेसलिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 28 स्पोर्ट्स होते हैं। और देखिए, क्रिकेट के कई सारे फॉर्मेट है, जैसे 50-50 टेस्ट मैच, ODI टेस्ट मैच हो गया, और फिर T20 हो गया। अब एक सबसे छोटा फॉर्मेट ले लेते हैं T20, जिसमें 4 घंटे लगते हैं एक गेम को औसतन ख़त्म होने में। अब अगर 10 टीम भी पार्ट ले लेती है तो सोचिए कितना टाइम लगेगा ओलंपिक्स को ख़त्म होने में। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों क्रिकेट को ओलंपिक में ऐड नहीं किया जाता है, टाइम की कमी की वजह से। अब तीसरी चीज़ है स्टेडियम। देखिए, स्टेडियम में आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट शुरू होता है उससे पहले स्टेडियम्स को मेंटेन किया जाता है, जमीन को फ्लैट किया जाता है, पिच को परखा जाता है, इवन पिच का टेस्ट भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अगले 3 ओलंपिक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं जापान, अमेरिका और फ्रांस में, और ये तीनों कंट्रीज़ में क्रिकेट बिल्कुल भी प्रशंसित नहीं है और वहाँ पर कोई भी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं है। इसकी वजह से भी ये कारण है कि अभी ओलंपिक्स में क्रिकेट नहीं ऐड किया गया है। और सपोज़ कीजिए, अगर हम क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर बनाए भी, तो जो ओलंपिक्स का बजट जो पहले से ही बहुत ऊपर रहता है वो भी और बढ़ जाएगा, और जो कि बहुत ही हानिकारक होगा बहुत सारी कंट्रीज के लिए। देखिए, अब सबसे पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है कि लैक ऑफ सपोर्ट टू ICC। देखिए, ICC हमेशा से चाहता है कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स का पार्ट बने, लेकिन BCCI, जिसके द्वारा 60% रेवेन्यू जनरेशन होता है ICC का, यानी कि 60% प्रॉफिट जो मुनाफा है साहब, जो सबसे बड़ा प्लेयर है BCCI, वो देता है ICC को। BCCI कभी भी नहीं चाहता कि क्रिकेट जो है वो ICC ओलंपिक्स का पार्ट बने। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो BCCI इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रह जाएगी, सारी पावर्स जो इस टाइम पर BCCI के पास है इंडिया में, वो सारी पावर्स चली जाएगी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के पास। और आप तो जानते ही हैं कि BCCI कभी भी अपनी पावर्स किसी को नहीं देना चाहेगा, क्योंकि BCCI एक सबसे ज्यादा
रेवेन्यू जनरेटिंग बोर्ड है और बीसीसीआई के पास पावर्स रहे, ये बीसीसीआई चाहेगा, ठीक है। तो एक ये भी सपोर्ट, एक ये भी चीज़ है कि बीसीसीआई की सपोर्ट ना होने की वजह से आईसीसी इसको कभी भी संभव नहीं कर सकता है। अब सबसे लास्ट में जो निकल कर आता है, एक फैक्ट निकल कर आता है कि वर्ल्ड कप अगर सपोज कीजिए ओलंपिक्स में चला भी जाए क्रिकेट का खेल, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप से ज़्यादा ये पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीमें पार्ट लेती हैं। और एग्जाम्पल है अफगानिस्तान जो कि पार्ट ले रही है, जो कि सबसे ज्यादा अभी क्रिकेट से जुड़ी है और इसमें बहुत सारी क्रिकेट टीम निकल कर आ रही है। अब देखिए T20 अगर वर्ल्ड कप की भी बात करें तो हर दो साल में ये दोहराया जाता है और बहुत सारी टीम जुड़ रही हैं क्रिकेट के खेल से, लेकिन अगर ये ओलंपिक में चला गया तो हर 4 साल बाद ये दोहराएगा, यानी कि समय की बर्बादी और खेल का पॉपुलैरिटी में डिक्रीज। सो ये भी एक कारण है कि क्यों क्रिकेट ओलंपिक में नहीं जा रहा है। अब आशा करते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से क्रिकेट को एक नहीं ओलंपिक का पार्ट बनाया गया है। जिस तरीके से सॉकर गेम है एक वर्ल्ड गेम है और इसको सब रिकॉग्नाइज करते हैं, इंडिया में इसके फैन है मेसी रोनाल्डो और ये नेमार, ऐसे ऐसे कुछ प्लेयर हैं जिनको हर कंट्री में मान्यता दी जाती है। इस तरीके से क्रिकेट एक गेम नहीं है जो वर्ल्ड क्लास हो, आपको आश्चर्य होगा लेकिन ये वर्ल्ड क्लास गेम नहीं है, इसको कुछ ही कंट्रीज में और रीजनल गेम की तरह देखा जाता है। सो थैंक यू यू आर वॉचिंग जनरल लेगेसी, एंड प्लीज़ यार शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एटलीस्ट। थैंक यू वेरी मच।